हे दोस्तों, आई एम अनामिका एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब लोग, आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए थोड़ी सी हटकर बुक लेकर आई हूँ एंड इस बुक का नाम है द लीन स्टार्टअप एंड इसके राइटर है एरिक रीज। इस बुक में आपको बिजनेस स्टार्टअप के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो एक बिजनेस स्टार्टअप के लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है जब आप ये नाम सुनते हो स्टार्टअप? आप शायद किसी गैराज में बैठे चार पांच दोस्तों के बारे में सोचोगे जो एक नया प्रोडक्ट बना रहे होंगे एक बड़े ही एक्साइटिंग वेंचर पर जिसमें खूब प्रॉफिट कमाने की उम्मीद हो। कुछ इसी तरह सिलिकॉन वैली में बहुत सी .com कंपनियां शुरू हुई थी, शायद आपको पता होगा। अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, एप्पल कंपनी तो ऐसे ही स्टार्ट हुई थी। सो दोस्तों, आज की बिजनेस की दुनिया बदलती जा रही है, इसलिए इसको लेकर जो ट्रेडिशनल अप्रोच थे ना वो भी बदलने चाहिए। लीन स्टार्टअप यही है जो बिजनेस में एक मॉडर्न अप्रोच पेश करता है। आपने देखा होगा दोस्तों, कुछ ऐसे स्टार्टअप होते हैं जो बहुत ही मस्त प्लानिंग के साथ बहुत ही ज्यादा सोच समझ के प्रोडक्ट चूज करते हैं और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के साथ, और उनके पीछे इंटेलिजेंस मेंबर्स की टीम भी होती है, मगर इतना टाइम, इतना एफर्ट और इतना सारा पैसा लगाने के बावजूद भी वो स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। लोगों को लगता है कि शायद ये सब उनकी प्लानिंग ठीक नहीं थी इसलिए ऐसा होता है। आप में से भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जो खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर आप ऐसे बिजनेस मैन है जो कोई नया वेंचर शुरू करना चाहते हैं। खैर, आप जो भी हो, ये बुक आपके काम आएगी अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे एक स्टार्टअप को शुरू करके मल्टी मिलियन कंपनी खड़ी की जा सकती है। सो ये तो था हमारा इस बुक के बारे में छोटा सा इंट्रो। अब मैं आप लोगों के साथ इस बुक के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करने वाली हूँ, आई होप आपको पसंद आए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है हमारा MVP से शुरू करें। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि आप पूरा प्रोडक्ट बनाने के बाद ही उसको मैदान में उतारो। सिर्फ एक MVP तैयार कर भी आप उसको मैदान में उतार सकते हो, मतलब मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। जैसे कि आप एक सॉफ्टवेयर बनवाते हैं तो उसमें ना हर चीज डालने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ बेसिक चीजें यूज करें। एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। जब फेसबुक स्टार्ट हुआ था ना तो उसमें सिर्फ फोटो को हॉट या नॉट रैंक करने का फीचर था, जो आज हम बहुत सारे फीचर्स देखते हैं ना वो उस टाइम नहीं थे। लेकिन मार्क जैकबर्ग को ये आइडिया हो गया था कि उसका आइडिया बहुत ज्यादा पॉपुलर हो सकता है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट उसे यूज करने लग गए थे। सो इसी तरह जो भी आपका आइडिया है ना उसे सबसे पहले बेसिक फॉर्म में लॉन्च करो, क्योंकि कोई भी ये नहीं बता सकता कि लोग किस प्रोडक्ट को खरीदना चाहेंगे और किसको नहीं। जब तक आप उनके सामने प्रोडक्ट नहीं लाएंगे ना तब तक उनको पता नहीं चल पाएगा। अपने प्रोडक्ट को मिनिमम रूप में लोगों के सामने लाना ही लीन स्टार्टअप का पहला प्रिंसिपल है, और इसी को लीन स्टार्टअप भी कहते हैं। अगर लोग आपका MVP खरीदते हैं तो इसके बाद आप इन्वेस्टर्स के पास जा सकते हैं और अपने लीन स्टार्टअप को स्केल पर कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा वैलिडेशन। दोस्तों, कस्टमर्स को पता नहीं होता कि उन्हें किस चीज की जरूरत है। जितने भी प्रोडक्ट्स अब तक आए हैं क्या हमें पता था कि हमें उनकी जरूरत है? जैसे कि दोस्तों, हमने कभी किसी को बताया था कि हमें व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम की जरूरत है? नहीं ना, ये उन लोगों का आइडिया था। एंटरप्रेन्योर खुद एक प्रोडक्ट लेकर आते हैं, कस्टमर सिर्फ उन्हें देखकर पसंद या रिजेक्ट करता है। सबसे पहले हमें किसी भी प्रोडक्ट को लेकर हाइपोथेसिस बनानी होती है। जैसे कि इंस्टाग्राम वालों ने सोचा होगा कि शायद लोगों को ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ जल्दी से फोटो अपलोड हो सके और उस पर हम लोगों के रिएक्शन भी ले सके। इसलिए पहले हाइपोथीज बनाइए, फिर उसे वैलिडेट कीजिए, मतलब उस पर एक्सपेरिमेंट करिए, उसमें अलग अलग फीचर्स लगाकर देखिए, फिर देखिए कि कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है। थर्ड है हमारा फीडबैक लूप। फीडबैक का मतलब है अपने कस्टमर से पूछना कि उन्हें प्रोडक्ट कैसा लगा, उसमें क्या कमी है और उसमें क्या सुधार होने चाहिए। दोस्तों, फीडबैक के 3 पार्ट होते हैं, बिल्ड, मेजर एंड लर्न। सबसे पहले तो आपको अपना प्रोडक्ट बनाना है। प्रोडक्ट कंप्लीट मत बनाओ, बस उसमें मिनिमम वायबल होना चाहिए कि उससे काम चल जाए। इसके बाद मार्केट में आपको उस प्रोडक्ट को एक तरीके से टेस्ट करना है और देखना है कि लोग उसे खरीदते हैं या नहीं। इस स्टेज में लोगों से पूछे कि उन्हें प्रोडक्ट में क्या अच्छा लगा और क्या नहीं, और ये भी पूछे कि वो क्या सजेशन देना चाहते हैं। फिर थर्ड स्टेज में आप अपने लोगों को बता सकते हैं कि हमें इस प्रोडक्ट में क्या इम्प्रूव करना चाहिए। फोर्थ है हमारा दोस्तों प्रोग्रेस। दोस्तों, अगर लोग आपके प्रोडक्ट को पसंद नहीं करते ना तो आपको प्रोडक्ट को वहीं खत्म कर देना चाहिए और किसी और आइडिया पर लग जाना चाहिए। लेकिन अगर लोगों को आपका प्रोडक्ट पसंद आ रहा है तो अब आपको उसको स्केल अप करके आगे बढ़ाना चाहिए। लास्ट एंड फिफ्थ है हमारा पार्टनर्स या एम्प्लॉइज को ढूंढना। आप सिर्फ ऐसे पार्टनर चुनिए जो दिल से आपके आइडिया या प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर सकें।
ऐसा ना हो कि आपका इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्टार्टअप खोलने का और आप ऐसे आदमी को अपना पार्टनर बना रहे हो जिसका इंटरेस्ट स्टॉक ट्रेडिंग ऐप में है। इससे आप एक दूसरे का विजन समझ ही नहीं पाओगे। और दोस्तों वही स्टार्टअप सफल होते हैं जिनमें आपका इंटरेस्ट या पैशन होता है। दोस्तों ऐसे ही अपने एम्प्लॉइज को भी चुनिए। आपको ऐसे लोगों की जरूरत है जो आपके स्टार्टअप को आगे बढ़ाए। सिर्फ उनका सीवी देखकर ही उनको मत हायर कर लीजिए। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो दोस्तों अपने सीवी में बड़ा चढ़ाकर लिख देते हैं, उनको ये स्किल्स आती हैं, लेकिन हो सकता है कि उन्होंने उन स्किल्स का बहुत पहले यूज किया और अब तक तो भूल भी चुके हो, या फिर स्किल्स के सॉफ्टवेयर के नए वर्जन आ गए हैं जो उन्हें नहीं आते। इसलिए एम्प्लॉइज का ठीक से इंटरव्यू करें, बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछें। जैसे कि दोस्तों अगर आपको कोडिंग के लिए पाइथन जानने वाला एक्सपर्ट चाहिए तो पूछिए कि आपको पाइथन कितना आता है। फिर प्रोजेक्ट के बारे में आप बताकर पूछिए कि क्या वे इस काम को कर पाएंगे। इस तरीके से आप एक अच्छा एम्प्लॉय हायर कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों किसी भी स्टार्टअप की सफलता में टीम का ही रोल होता है। इसलिए अपनी टीम को बहुत ही ज्यादा सोच समझ के चुनिएगा। सो दोस्तों इस समरी को मैं यहीं खत्म करती हूँ एंड आई होप आपको ये समरी अच्छी लगी और बहुत कुछ सीखने को भी मिला हो। आपको ये जैसी भी लगी मुझे नीचे कमेंट करके बता देना एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वन। बाय बाय।